नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, जिंदगी खूबसूरत हो ये हम सबकी कामना होती है, जिंदगी आसान हो ये हम सबकी कामना होती है। तो जिंदगी कैसे खूबसूरत और आसान हो सकती है, जिंदगी बने आसान, इसके ही पांच सुंदर सुनहरे सूत्र आज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिन पर बहुत ही गहराई से विचार कीजिएगा, जो बहुत बहुत आवश्यक है सचमुच जीवन के लिए। और पहला सूत्र है, हम क्रिएटर बने, हम भाग्य के भरोसे ना बैठे रहें। परमात्मा रचयिता हैं तो हम भी उनकी संतान, मास्टर रचयिता हैं। हम अपने आज को, अपने आने वाले कल को क्रिएट किया करें। कहा जाता है, जैसा संकल्प होता है वैसे ही सृष्टि होती है। यदि आप अपने मन में कुछ सुंदर विचार अपने आने वाले दिन, आने वाले कल के लिए करेंगे, जैसा उसे आप देखना चाहते हैं वो वैसा ही निर्मित होता चलेगा। इस पर विश्वास कीजिए और अमल करके देखिए, आप पाएंगे कि सचमुच वैसा होता चलता है जैसा आप चाहते हैं। करके देखिएगा, तो क्रिएटर बने, अपने कल का निर्माण स्वयं करें, तो जिंदगी वैसी होती चलेगी जैसा आप चाहते हैं। और आइए क्रिएटर बनने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं केवल अच्छे वस्त्र पहनने से तकदीर नहीं बदलती, क्योंकि वो तो दुकानों पे खड़े पुतले भी पहन लेते हैं। यदि तकदीर बदलनी है तो व्यवहार बदलें। आमतौर पर देखा जाता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी तैयारियां करते हैं, जैसे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, अपने खाने का, रहने का, चलने का और बोलने का ढंग भी सीख लेते हैं, किंतु अपनों से, छोटों से, बड़ों से, बुजुर्गों से या फिर संबंध संपर्क में आने वाली प्रत्येक मनुष्य आत्मा से हमें कैसे व्यवहार करना है, उसके लिए तो कोई प्रयास ही नहीं करते। और जीवन की वास्तविकता ये है कि परिवार हो या व्यापार, हर जगह सफल होने का आधार आपका व्यवहार ही है, जो हमें बड़ों की दुआएं, छोटों का प्यार, अपनों का साथ और सफलता का मुकाम दिलाता है। इसलिए व्यवहार बदलें, आपकी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। ओम शांति। मित्रों, जिंदगी को जटिल करने वाली चीजें कौन सी हैं, क्या आपने कभी विचार किया है? हम सभी चाहते हैं जिंदगी आसान हो, लेकिन जटिल बनाने वाली चीजें हैं हमारी इच्छाएं और कामनाएं। कहा जाता है कि व्यक्ति की इच्छाएं कामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। आप भय बूढ़े, तृष्णा भय जवान, ये हमारे शास्त्रों में हमारी ऋषि मनीषी कह गए हैं, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है, एक कामना पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है और जीवन भर व्यक्ति उसके पीछे भागता रहता है कि ये कामना, ये इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद मैं संतुष्ट हो जाऊँगा, तृप्त हो जाऊँगा, जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता और जीवन का अंत आ जाता है। इसीलिए मित्रों, जो चीज़ें हमारे पास हैं उनका सुख लेना, आनंद लेना, ये सचमुच जीवन को आनंद से भरने वाला है, जीवन को आसान बनाने वाला है। आप ज़रूर चीज़ें प्राप्त करें, ज़रूर चीज़ों का संग्रह करें, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करें, लेकिन इच्छाओं के गुलाम ना बने। और यही इच्छाएं कामनाएं मित्रों, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि मनुष्य के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, तो क्यों ना हम इन्हें नियंत्रित करें और संपूर्ण स्वास्थ्य का भी आनंद लें, जीवन को भी आसान बनाएं। और आइए इसी सुंदर संकल्प और चिंतन के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट स्वास्थ्य की ओर। नमस्कार, ओम शांति। स्वास्थ्य के साथ साथ वेट मैनेजमेंट में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब हम अच्छी मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हो, विशेष रूप से जो लोग स्वस्थ है, अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि किडनी की बीमारी है, कैंसर है, कोई बीमारी है, और फिर डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप प्रोटीन की मात्रा कम करिए, तब आप अवश्य कर सकते हैं। परंतु स्वस्थ व्यक्ति के लिए ज़्यादा प्रोटीन बहुत ही लाभकारक है। पहले तो मैं उसके आपको फायदा बताता हूँ कि जब आप प्रोटीन का सेवन करते हैं तो जल्दी से आपको सेटिस्फैक्शन हो जाता है। प्रोटीन
कुछ हद तक हमारी मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। प्रोटीन से जो हमारी मांसपेशियों का मास है वह भी बढ़ता है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, पर जब हम प्रोटीन की बात करते तो लोग तुरंत ये सोचते हैं कि फिर तो हमें मांसाहार करना पड़ेगा। कई बार डॉक्टर भी कहते हैं, मेरे पास ऐसे पेशेंट है सचमुच, कि उनको जो डॉक्टर ने कहा कि अभी तुम शाकाहारी हो, कहां से प्रोटीन मिलेगा। तो मैंने डॉक्टर को भी फोन के कहा, जरा डॉक्टर साहब देख लीजिए कि सोया बड़ी में कितना प्रोटीन है। सोया बड़ी में ऑलमोस्ट 52% प्रोटीन है, और उसमें रेसे भी है, फाइबर भी है, कितना अच्छा है। और भी कई दालें हैं कि जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी सी है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि वेजिटेरियंस को प्रोटीन नहीं मिल सकता है, बहुत सारे सोर्सेस है, और उल्टा वो अच्छा है। जो मांसाहार में प्रोटीन है वह वास्तव में स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। कई लोग कि जिनको पता ही नहीं था कि शाकाहारी अन्न क्या होता है, ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं कि जो स्वास्थ्य की बात को सोच करके उन्होंने वेजिटेरियन डिशेस बनाना भी सीखा। तो जो शाकाहारी अन्न में विभिन्न दालों में, जैसे थोड़ा दही का भी आप सेवन कर सकते हैं, सोयाबीन से, और बहुत सारे सोर्सेस है कि जिससे आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त हो सकता है। ओम शांति। मित्रों, जिंदगी को सुंदर बनाने का तीसरा सुंदर सूत्र है कि हम वर्तमान में रहना सीखें। ज़्यादातर हम अपने पास्ट में रहते हैं और पास्ट का ही चिंतन करते रहते हैं कि पास्ट में ये हुआ वो हुआ, और उसके लिए पश्चाताप करते रहते हैं कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता। या फिर हम भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं कि भविष्य कैसा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। वास्तव में वर्तमान में रहना जीवन को सुंदर बनाने वाला होता है। वर्तमान यदि सुंदर होगा तो भविष्य स्वतः ही सुंदर होगा, जिसके लिए गीता में भी भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तू भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मत कर, तू वर्तमान में रह। वर्तमान सुंदर होगा तो तेरा भविष्य भी श्रेष्ठ होगा। तो क्यों ना मित्रों, हम भी वर्तमान का आनंद लें, क्योंकि जिंदगी का मतलब ही है वर्तमान पल। जो बीत गया वो तो कल हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने हर पल का आनंद लें, उसे सुंदर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, वो करें जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं। सचमुच ये सुंदर भाव हमारे जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलेगा, हमारे जीवन को खूबसूरत बनाएगा, जैसा कि हमारे विशिष्ट जन भी बनाते हैं। आइए देखें आज विशिष्ट की बातें विशेष में हमारे साथ कौन से विशेष मेहमान हैं। You had the opportunity of meeting with Dadi Ratan Mohini ji, assistant directors of this organization. I was kind of wondering, what was your experience like to being with such a highly elevated soul? I have been told that she is 95. When she spoke, she was absolutely articulate, comprehensive, connecting, and there was pin drop silence in the audience. Mm-hmm. I have a counter question. Why did people maintain such kind of solemn silence? She was not speaking wisdom that way. Mm-hmm. She was speaking heart to heart, mm-hmm. able to connect. And once there is this kind of connectivity, mental connectivity, mm-hmm. soul connectivity, you realize you can change people. It's not a kind of trying to tell people to change. One can change by words and action. The way she has lived her life and people have seen her, yes. Here is a person has lived a life of an example, mm-hmm. and she's able to communicate to us in our own language, which we understand. There is not
great intellectual talk about spirituality. The small things which are being told. To everyone in the audience or who might be seeing, yes, she is correct. And thoughts are pure. Pure thoughts, when shared, can change people. मित्रों, चौथा सुंदर सूत्र जिंदगी को आसान बनाने वाला, फगीव एंड फगेट। हम दूसरों को माफ करें और भूल जाएं। ये बहुत ही सुंदर सी बात है मित्रों। कई बार चीज़ों को लेकर ढोकर हम चलते रहते हैं कि किसी ने मेरे साथ जो गलत किया है वही बात मुझे परेशान करती रहती है, मैं उसे माफ़ भी नहीं कर पाता और भूल भी नहीं पाता, और फलतः जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही भारी हो जाता है। किसी ने बहुत प्यारी सी लाइन कही है कि ज़िंदगी को मैंने कुछ यूँ आसान कर लिया, किसी को माफ़ कर दिया और किसी से माफ़ी मांग ली। सचमुच ये बहुत बड़ा गुण है मित्रों, इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन को सुंदरता की ओर लिए चलने वाला है। जैसा हम अपने जीवन को चाहते हैं वैसा हम इस सुंदर गुण के माध्यम से बना सकते हैं। दवात और कलम के बीच बात हुई। दवात ने कलम से कहा कि तूने अपना मुंह डुबोकर, खुद का मुंह तो स्याही से काला कर लिया, लेकिन तू कुछ ऐसा मत लिखना जिससे समाज का मुंह काला हो जाए, क्योंकि तू कलम है और तू केवल समाज का दर्पण नहीं है बल्कि मार्गदर्शक भी है। तो कलम ने उत्तर दिया कि मैंने अपना मुंह काला इसलिए किया है ताकि मैं अपने हरफों से, तेरे सहयोग से समाज के चेहरे को उज्जवल कर सकूं। हम जब कलम की तरह खुद हानि उठाकर भी दूसरों का लाभ करते हैं, तभी जाकर सच्चे, अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ समाज का निर्माण होता है। इसलिए स्वयं की हानि से अधिक महत्वपूर्ण जीवन में है आप सब का, दुनिया का फायदा करते चलें। कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे हिस्से में है ईश्वर, भले ही दुख दे देना, लेकिन तू दूसरों के हिस्से में सदा ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबको हर तरह का सुख प्रदान करना। नमस्कार मित्रों, जिंदगी को आसान बनाने वाला पांचवा सुंदर सूत्र है कि हम ईश्वर को अर्पित करना सीखें, अपने बोझ, अपनी समस्याएं, अपनी बातें और स्वयं को भी। कहते हैं ना, जिंदगी जिसने दी है उसने ज़रूर हमारे लिए कुछ सोचा होगा, जिंदगी जिसने दी है वो भी तो हमारे बारे में कुछ सोचता होगा, तो उसे भी सोचने दें। जब हम उसे अर्पित कर देते हैं अपनी समस्याओं को, अपनी बोझों को, तो सचमुच ज़िंदगी बहुत सरल हो जाता है और उनकी मदद का हम अनुभव कर पाते हैं। तो ईश्वर को अपने जीवन में शामिल करें और अपने जीवन को सहज, सरल और सुंदर बनाएं। तो गहराई से मित्रों, आज इन पांचों सूत्रों पर विचार कीजिएगा जो आपकी ज़िंदगी को आसान करने वाले हैं, जो आपके ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने वाले हैं। तो आपकी खूबसूरत ज़िंदगी और सहज ज़िंदगी की सुंदर शुभकामना के साथ इजाज़त लेता हूँ आज के लिए। नमस्कार, ओम शांति।